समाज का एक नजरिया बन गया है कि अगर आप हिंदी नहीं बोल रहे हो, इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, तो आप अनपढ़ और गवार हो। क्यों भाई, हम हरियाणवी भाषा क्यों ना बोलें? हरियाणवी का मतलब अनपढ़ है, गवार है। पंजाबियों ने कभी अपनी पंजाबी भाषा छोड़ दी है? साउथ इंडियन अपनी साउथ इंडियन भाषा बोल के कभी लो फील करते हैं? तो हम अपनी हरियाणवी भाषा बोल के लो फील क्यों करा? तो प्रोफेशनल लाइफ को और हरियाणवी संस्कृति को मैं साथ में लेके चलूंगी हमेशा, यही मेरा एक सपना है। बहुत सारे डाउट है लोगों के कि डॉक्टर सोनिया सच में डॉक्टर है कि सुबह उठे, खाना बनाया, खाना खाया और क्लिनिक चले गए, शाम ने क्लिनिक तक आके कोई मूवी देख ली या सो गए, इतनी है जिंदगी थी। लेकिन 20% लोग इसे हैं जिनने मेरे को गवार घोषित कर दिया है कि या तो जमा गवार है, हरियाणवी में बात करे है, पूरा दिन इसने कोई काम को नहीं, अठाली बैठी रहे है, इसका पेशेंट को नहीं आंदे, या पूरे दिन वीडियो बनावे, कोई भी रैंडम आदमी आवे है, किसी बहन बेटी की वीडियो लगावे है, उसने गाली देने लग जाए है, और न्यू कह मैं हरियाणा की संस्कृति ने ऊपर लेके जाऊं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया, आज मैं आई हूँ जोश हरियाणा प्लेटफॉर्म पे मेरी कहानी लेके कि सोशल मीडिया ने मेरी जिंदगी को कितना चेंज किया, सोशल मीडिया पे आने के बाद मेरे प्रोफेशनल लाइफ पे, मेरी पर्सनल लाइफ पे क्या क्या चेंज आया, क्या क्या फर्क पड़ा, कितनी पॉजिटिविटी आई, कितनी नेगेटिविटी आई, कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो आज आप देखेंगे मेरी जिंदगी की कहानी जो कि सोशल मीडिया पे आने के बाद बदल गई। बाकी आगे मैं कोशिश करूंगी हरियाणवी भाषा का ही प्रयोग करूं क्योंकि हरियाणवी बोली की वजह से ही आज मैं आप लोगों के सामने हूं और फेमस हुई हूं। तो बहुत सारे डाउट है लोगों का है कि डॉक्टर सोनिया सच में डॉक्टर है कि, सबसे ज्यादा जो बात सुनने मिले है। तो मैं बता दूं, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, मेरा क्लिनिक है कैथल में। उसके अलावा जो एक बड़ा क्वेश्चन है कि मैं कहां से हूं, मैं भिवानी की बेटी हूँ, मेरी शादी हुई है नरवाना के कानाखेड़ा गांव में और फिलहाल हम रह रहे हैं कैथल। तो शुरुआत करते हैं जर्नी से, कैसे शुरू हुई, कैसे मैंने वीडियो बनानी शुरू करी और हरियाणवी बोली में वीडियो बनानी कैसे शुरू करी। मैं क्लिनिक से जुड़ी हुई रील मेरी बहुत पहले से बनाती आ रही हूँ, मेरा जब से मैंने क्लिनिक किया था तब से ही मैं क्लिनिक से रिलेटेड या डिजीज से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड वीडियो बनाती आ रही हूँ। उनका काफी बढ़िया रिस्पॉन्स था, लेकिन वो कहते हैं ना दिल से तो हम हरियाणवी ही है। तो एक मन के किसी कोने में ये बात थी हमेशा से कि हरियाणवी भाषा का उपयोग कदे छोड़ना ही नहीं है। उसे बात पे दिमाग में आई थी कि क्यों ना हरियाणवी भाषा में वीडियो बनानी शुरू कर दी जा। दूसरा मेन फैक्टर आया इसमें मोहित और मेरी शादी, क्योंकि दोनों जगह की भाषा में बहुत ज्यादा अंतर है। वो अपन टॉपिक मिला कि चलो ये जो डिफरेंस है बोली का, इसे ना अपना कंटेंट बनावा, उस चीज से शुरुआत हुई थी। क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत टाइम तक थी कि मैं हरियाणवी भाषा में बात करूं, मैंने बहुत पसंद है कि जो मैं अंदर तक हूँ वो ये बाहर दिखे ना, कि कोई दिखावा करूं। मैं मेरे क्लिनिक में भी अगर गांव के पेशेंट आवे उनका गले हरियाणवी में बात करा करूं, क्योंकि उन तक मैंने एक जुड़ाव, एक लगाव महसूस हो है जब मेरे तक कोई इस टाइप से बात करे, और पेशेंट ने भी मेरे तक लगाव महसूस हो है जब भी मैं हरियाणवी भाषा में उनसे बात करूं। तो शुरुआत करने का ये था कि मैं अपनी भाषा से जुड़ी रहूं, मेरे हरियाणा से जुड़ी रहूं, इसीलिए मैंने शुरुआत करी। तो सोशल मीडिया की शुरुआत तो मैं उसे दिन कर दी थी जिस दिन सोनिया ने अपना क्लिनिक कराया था, क्लिनिक की वीडियो बनाने शुरू कर दी थी। लेकिन सोनिया ने कई बार मेरे तेनू कहा कि भाई अपनी हरियाणवी भाषा में भी अपने एक आधी वीडियो बनानी चाहिए। तो काफी लंबे समय तक तो हमने सोचा कि ना कोनी प्रोफेशन के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फिर हमने 3-4 बार सोचा, काफी सीरियस डिस्कशन करी इसके ऊपर कि भाई पड़ेगा तो कोई बात को नहीं, लेकिन अपना हरियाणवी भाषा में भी अपने वीडियो बनाने शुरू करने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जो आता है कि सोशल मीडिया पे आने के बाद हमारी जिंदगी क्यूकर चेंज हुई, के चेंज आया। सोशल मीडिया तो पहले की बता दूं, सोशल मीडिया पे आने से पहले के था, सुबह उठे, खाना बनाया, खाना खाया और क्लिनिक चले गए, शाम ने क्लिनिक तक आके कोई मूवी देख ली या सो गए, इतनी है जिंदगी थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। सोशल मीडिया पे आने के बाद क्रिएटिविटी लेवल है जो वो इतना बढ़ गया, मतलब 0 था वो 100 हो रहा है। क्यों? पूरा दिन अपना माइंड इन चीजों में चल रहा है कि आज के ऐसी एंटरटेनिंग वीडियो आप लेके आवा। तो सबसे पहली बात तो ना ही हमने खाने का टाइम, ना हमने सोने का टाइम। पहला बदलाव तो यो आया है कि हमारी जिंदगी इतनी बिजी होगी कि हर टाइम हमारा माइंड कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, क्रिएटिविटी लेवल बहुत घना बढ़ गया है। दूसरा चेंज, अगर आप मेंटली स्ट्रोंग हो तो वो चेंज आपको कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, और अगर आप मेंटली वीक हो, बहुत इमोशनल हो, तो आप डिप्रेशन में भी जा सको हो। जब तक मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने लगी हूँ, कुछ लोगों ने, एक वर्ग ने, मतलब मैं सबकी नहीं गंदी, शायद 80% लोग मैंने अप्रिशिएट कर रहे हैं,
लेकिन 20% लोग इसे हैं जिनने मेरे थी गवार घोषित कर दिया है कि या तो जमा गवार है, हरियाणवी में बात करे है, पूरा दिन इसने कोई काम को नहीं, अठाली बैठी रहे है, इसका पेशेंट को नहीं आंदे या पूरे दिन वीडियो बनावे। तो इतनी नेगेटिव बात सुनने मिली है, इतने नेगेटिव कमेंट सुनने मिले हैं कि शायद कोई मतलब वीक बंदा हो तो वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, लेकिन हम बहुत स्ट्रॉन्ग है मेंटली भी इमोशनली भी कि इन बातों को इग्नोर करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ा भी गए। जब तक यो चैनल शुरू करे अपन ने हरियाणवी भाषा तो लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया, जब अपने रिजल्ट बढ़िया दिखे तो फिर अपने काम में करने में मजा भी आवे है, या बात सच्चाई है काम करने में मजा आने लग गया, लेकिन टाइम नहीं बचा बिल्कुल भी, ना फैमिली ने टाइम दे पांदे, ना कुछ घूमन फिरना टाइम दे पांदे, एक टाइम एक मजा जरूर आ रहा है, फेमस हो रहे हैं, लेकिन जिंदगी एक उस साइड चली गई है बिजी शेड्यूल की तरफ। समाज का एक नजरिया बन गया है कि अगर आप हिंदी नहीं बोल रहे हो, इंग्लिश नहीं बोल रहे हो तो आप अनपढ़ और गवार हो। क्यों भाई, हम हरियाणवी भाषा क्यों ना बोलें? हरियाणवी का मतलब अनपढ़ है, गवार है। पंजाबियों ने कभी अपनी पंजाबी भाषा छोड़ी है? साउथ इंडियन अपनी साउथ इंडियन भाषा बोल के कभी लो फील करते हैं? तो हम अपनी हरियाणवी भाषा बोल के लो फील क्यों करा? तो प्रोफेशनल लाइफ में इस चीज का मैंने कोई फर्क नहीं पड़ने दिया। मेरे पास क्लिनिक में अगर कोई हिंदी बोलने वाला पेशेंट आ गया तो मैं हिंदी में बात करूंगी, अगर कोई गांव देहात के पेशेंट आते हैं तो मैं उनसे अपनी हरियाणवी बोली में ही बात करूंगी। जब अगर उनका मेरी बात समझ ही नहीं आओगी, मैं के बोलन लाग रही हूँ तो के फायदा उनसे बात करने का। तो प्रोफेशनल लाइफ को और हरियाणवी संस्कृति को मैं साथ में लेके चलूंगी हमेशा, यही मेरा एक सपना है और मैं इसमें पूरा भी करने लाग रही हूँ। मैं कदे भी अपनी हरियाणवी भाषा नहीं छोड़ना चाहती और ना मैं छोड़। तो सोशल मीडिया पे आने के बाद हमारे विचार, हमारे लाइफ में भी बहुत बदलाव आए हैं। पहले जो नजरिया था वो बिल्कुल बदल चुका है। जितना प्यार लोगों ने हमें दिया है सोशल मीडिया पे, उस प्यार को देख के और समाज का एक हिस्सा होते हुए हमारे इतना नजरिया बदला कि हमने इन्यू लागन लग गया कि हमने भी समाज खातर कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए, और उसकी शुरुआत हमने कर भी दी है। तो वो आप आगे आने वाले टाइम में देख भी लोग। जितना गणा सपोर्ट, जितना गणा प्यार आप सब लोगों ने दिया है, तुम्हारा भी एक दायित्व मना है कि समाज खातर कुछ ना कुछ मम करा, जितना भी मार पोस का है मम अपना जो 100% देने की कोशिश करा, कुछ मम ने अपने ट्राई भी करी है समाज के लिए कुछ करने की, और आगे भी बहुत कुछ करने की आप पूरी कोशिश करांगे। अरे मम ने अपनी जो शुरुआत है वह कर दी है और वह आपने आगे देखने भी मिलेगी। एक नया चलन देखा है इंस्टाग्राम पे कुछ दिन आते हैं, कोई भी रैंडम आदमी आवे है, किसी बहन बेटी की वीडियो लगावे है, उसने गाली देने लग जाए है, और न्यू कहे मैं हरियाणा की संस्कृति ने ऊपर लेके जाऊंगा। हरियाणा की संस्कृति कदे न्यू कहेगी कि किसी की बहन बेटी ने तम गाली दे, उससे संस्कृति बढ़ेगी? कदे भी नहीं बढ़ सकती। हरियाणा की संस्कृति में लिख रखे है चाहे गांव की भी बेटी है ना तो उसकी भी इज्जत करो। कि गांव में न्यू बेरा पट जाया करता ना अपने दादे ताऊआ ने कि आड़े तुम्हारे गांव की छोरी ब्याह रखी है, 10 रुपये दे के आया करते उसने। चलो ये सारा था जो मैंने फेस किया, जो मैंने अनुभव किया सोशल मीडिया पे आने के बाद, और बहुत मजा आ रहा है काम करने में भी, लोगों ने एंटरटेन करने में भी, और मैं चाहूंगी कि मैं सारी उम्र यो काम करती रहूं और आप अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखो।